सकती हूँ? तुझ पर तरस खाकर यहाँ पर आया हूँ। अफसर से अफसर की वफादारी निभाने आया हूँ। वफादारी की बातें गद्दारों की मुझसे अच्छी नहीं लगती। अब तो तुम्हारी गालियां भी मुझे फूल जैसी लगती हैं। खूबसूरत हो, जवान भी हो, जेल में पड़ी पड़ी सड़ जाओगी। पानी के बिना जिस तरह पौधा मर जाता है ना, ऐसे तुम मर जाओगी। अरे अपने बाग का माली बना ले मुझे, सींच सींच के हरा भरा रखूंगा वे। इस वक्त तुम शराब के नशे में धुत हो, अपने होश में नहीं हो। जब होश में रहोगे ना तो मुझे बोलने में मजा आएगा और तुम्हें सुनने में। इस वक्त चले जाओ यहां से। मैं यहां से जाने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए आया। और जो चीज हमें प्यार से हासिल नहीं होती ना, उसे हम छीन लेते हैं या फिर उसे मिटा देते हैं। ओए हमें मिटने की नहीं, मिटाने की आदत है। पानी बंद करो। मंत्री जी। हाँ बोलता हूं। नीतू सिंह के देखिए अभी हम बहुत बिजी लगता हूं, रखता हूं। अरे देखा दिलरुबा दिल्ली वाली, भवानी प्रसाद लल्ला का पावर। अरे तू तो 90 दिनों के अंदर सीएम के किलर का पर्दाफाश करने वाली थी। लेकिन हमने तो 9 दिन में, सिर्फ 9 दिन में तुझे ही किलर साबित कर दिया। अदालत में मेरे खिलाफ झूठी गवाही देता है साले। तेरे जैसे बदमाशों से तो मैं रोज निपटती हूँ। सीएम का मर्डर मैंने किया था? नहीं। किसने किया था बता, किसने किया था? अगर बताऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। बता बता। भवानी प्रसाद ने करवाया। चल यही बात तुझे अदालत में कन्फेस करनी होगी। चल खबरदार कोई आगे बढ़ा तो। मूव मूव। Oh!
हुसैन तुम जब से तू इस जेल में आया हुए हमेशा कोई ना कोई लड़ाई कोई ना कोई हंगामा और आज तो तूने हद कर दी पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया हुए मैं अपना हाथ दो ही वक्त उठाता हूं दुआ के लिए जो मेरा ईमान है और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो मेरा इश्क है और इश्क करने से आप क्या जमाना भी किसी को रोक नहीं सकता लेकिन कानून तुझे रोकेगा और तेरे इश्क की तुझे कड़ी से कड़ी सजा भी देगा साडा ना जेल ललकार सिंह है जुल्म की ऐसी आग बरसाऊंगा कि जलकर धुआं हो जाएगा ओए ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मेरी बात मानिए एक गिलास ठंडा पानी मंगवा कर पी लीजिए मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश न कर मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं और अपने इश्क को काबू में रख नहीं तो मैं तेरे जेल का रिकॉर्ड खराब करके तेरी सजा दुगनी करवा देंगा ओए तू तो हर रोज मेरी सजा खत्म होने की दुआ करता है मेरे यहां से जाने के बाद मेरे यहां ना आने की दुआ करता है सजा क्या दुगनी करेगा अपनी जबान को लगाम दे नहीं तो मैं तेरा नामो निशान मिटा देंगा ओए मेरा मुहाफिज है खुदा तो फिर है कौन जो मुझको उठा सके तेरी क्या औकात है जो जहां से मुझे मिटा सके खुदा हाफिज अरे क्या कर रहे हो भैया अगर पुलिस वाला टाइम पर नहीं पहुंचती तो हम लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाती बर्बाद हो जाते भाई हम अरे उसने यार यहाँ पे टाटिया की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के सब कन्फेस करवा लिया ये नीतू सिंह तो सीएम मर्डर केस का पर्दाफाश करके रह गए मीठी आवाज में बोलो भाई दीवारों के भी कान होते हैं अरे सीबीआई की आला ऑफिसर है वो कुछ भी करेगी किसी भी हद तक जाएगी वो ठीक है फिनिश कर दो उसको अरे गोली मार दो ससुरी को कहना कि जेल से भाग रही थी अरे भाई तू तो जेल का मालिक है एक बात बता वो टटुआ उसके काबू में कैसे आया हुसैन की वजह से हुसैन अरे वही हुसैन जो तेरी जान का दुश्मन है ओए हुसैन मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है फसल मैं काटूंगा जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा ये लीजिए अल्लाह खुश रखे नूरही में आप भी शुक्रिया चाची आज का दिन तुम कभी नहीं भूलती कैसे भूलेंगी आज हुसैन का जन्मदिन जो है आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए अल्लाह सलामत रखे आपके बेटे को आमीन अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह तेरा नाम